तेजस्वी यादव जी, गरीबी का फार्मूला कभी समझेंगे? वो चांदी के चम्मच से जो है ना खाना सुन, मैंने हमें रोजगार दिए हैं। उससे पहले रोजगार नहीं था क्या? ये को दिया था नीतीश चचा, थोड़ा सा मन बदल लिया तो 17 महीने के लिए उनको अनुकंपा पे सरकार मिल गए। फिर वापस उन्होंने छीन लिया। ड्राइवरी वो कर रहे थे औरंगाबाद में, वो कौन सा यात्रा निकला है? वो न्याय यात्रा जो निकाल रहे थे ना राहुल गांधी जी, ये सब का एक ही एजेंडा है, कैसे जो है ना सत्ता में आना मेन मकसद। भाजपा के साथ अडानी चोर हैं और कांग्रेस और राजद के साथ आ जाते तो अडानी शरीफ हो जाते हैं क्या? तो तेजस्वी पहले ये तो बताया कि वो आखिर क्या जनता को बरगला क्यों रहे हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, जनताओं के बीच विश्वास पैदा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी जो है उन्हीं के विधायक को अपने कोटे में कर लेते हैं। युवा है तेजस्वी यादव, युवा है, आप क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव को लेकर के? मैंने सोचना क्या है, आप क्वेश्चन कीजिए। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। अच्छा, अभी निकले हुए हैं क्या? नहीं, तेजस्वी यादव। अच्छा, तेजस्वी यादव जी जन विश्वास पर निकले हैं, तो उनमें क्या क्या जन विश्वास, कैसे जन विश्वास होता है? अरे तो रहे कि नहीं था वो कह रहे हैं, ऐसा है ना, सत्ता के लिए वो घूम रहे हैं तेजस्वी यादव जी। सत्ता के लिए? तो किसके लिए घूम रहे हैं? किसके लिए? मजदूर, युवा। गरीब मजदूर के लिए कौन काम कर रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मजदूर गरीब के लिए जो है ना 4 करोड़ जो है गैस सिलेंडर कौन दिया है? तेजस्वी यादव जी ने, मोदी जी दिए हैं। अब तेजस्वी यादव जी गरीबी का फार्मूला कभी समझेंगे? वो चांदी के चम्मच से जो है ना खाना शुरू किए हैं, चांदी के चम्मच। हाँ, तो उनको गरीबी पता नहीं चलेगा, गरीबी उनको पता चलेगा जो गरीबी को देखा है, झेला है। उनको नहीं पता है गरीबी क्या होता है। हाँ, उनको विरासत मिल गया, जिस विरासत पे वो जो है ना बिहार भ्रमण कर रहे हैं। विरासत मिला है तो क्या मिला है? लालू यादव जी का विरासत मिला है, समझे? इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको विरासत मिला है। जिस तरह लालू जी नेता बन के उभरे तो वैसे वो नहीं उभरे हैं, उनको विरासत मिल गया और मौका मिल गया तो घूम रहे हैं बिहार। अब जन विश्वास यात्रा निकाली, इससे पहले भी बहुत यात्रा निकला हुआ है। एगो उनके साथी ड्राइवरी वो कर रहे थे औरंगाबाद में, वो कौन सा यात्रा निकला है? वो न्याय यात्रा जो निकाल रहे थे ना राहुल गांधी जी, ये सब का एक ही एजेंडा है, कैसे जो है ना सत्ता में आना मेन मकसद है। इन सब का एक ही एजेंडा है, और जो कर है जन विश्वास, उन व्यक्ति पर काहे चार्ज बार बार सीबीआई ईडी वहीं पहुंच रहा है? अगर इतने ईमानदार थे तो बार बार पहुंच क्यों रहा है? अब बीजेपी में चल जाता है, सब वाशिंग पाउडर से धुआ जाता है। अच्छा, बीजेपी में जो आ जाते हैं वाशिंग पाउडर से? बीजेपी में आपको नाम पता है कौन लोग आए हैं घोटालाबाद है? पता है आपको नाम? अब जो लोग आए हैं तो उन पर केस चल रहा है, इनके उनका केस मुकदमा वापस ले लिया गया है, और जितने जो है ना कांग्रेस में और अदर पार्टी में भ्रष्टाचारी है उतना बीजेपी में है? सब भ्रष्टाचारी है कांग्रेस से राजद में है। अरे भाई, तब प्रमाण हम दे रहे हैं, धीरज साहू जो पकड़ाए हैं बहुत ईमानदार क्वालिटी वाले आदमी थे, वो उनको तो नोबेल प्राइज मिलने वाला था ईमानदारी क्षेत्र में, लेकिन दुर्भाग्य से जो है ना पैसा वो बांट नहीं पाए। वो जो पैसा रखे थे ना तो न्याय यात्रा में जो है वो पैसा बांटते सबको, सभी जनता को जो है ना वो पैसा देते और न्याय करते, उनके आर्थिक न्याय करते, लेकिन दुर्भाग्य से उधर आ गए हैं, तब उनका ही न्याय हो रहा है। ये कहाँ से लाए हैं? और नाम सुनना चाहते तृणमूल में, चटर्जी का नाम सुने हैं? बड़ा ईमानदार किस्म के लोग थे, पैसा उनके पास कमी नहीं था। तो सभी पार्टी में जो है, और भाजपा में कौन नाम मालूम है कौन लोग पैसा गए? भाजपा में एक बार लाल कृष्ण आडवाणी पर इल्ज़ाम लगाता है हवाला कांड में, और वो व्यक्ति बोले थे कि जब तक हम निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक हम लोकसभा आएंगे नहीं। क्या आज के दौर में ऐसा नेता है? आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन ईमानदारी पर चलना बड़ा कठिन होता है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या कहिएगा? मेरे तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं, काफ़ी परिपक्वता से वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, सो आशा करते हैं कि उनके जन विश्वास यात्रा से जनता को शायद उन पे विश्वास हो जाए। ऐसे विश्वास नहीं है जनता है क्या? जनता पे विश्वास कहाँ है उनका? वो बेचारे जनता पे विश्वास ही रहता तो आज सत्ता में रहते ना, सत्ता से बाहर थोड़ी रहते। मतलब जनता का विश्वास था तभी तो वो सत्ता है, 17 महीना जो काम कर दे वो कोई नहीं। वो तो अनुकंपा पे थे, जनता ने एनडीए को दिया था नीतीश चचा, थोड़ा सा मन बदल लिया तो 17 महीने के लिए उनको अनुकंपा पे सरकार मिल गए। फिर वापस उन्होंने छीन लिया। 17 महीना जितना काम किए देखें आप, जरा कुछ काम गिनाइए फिर मैं उस पर तब ना टिप्पणी करूँगा। शिक्षा बहाली देखें कितना बड़ा,
शिक्षक बहाली, वो सारे एसटीईटी पास थे, ज्वाइनिंग के लिए बैठे हुए थे, उनके साथ तो एक हास्यास्पद तरीका हुआ कि उन्हें दोबारा से एक ही नौकरी के लिए दूसरी बार परीक्षा देना पड़ा, और अभी ज्वाइनिंग को लेकर काफ़ी परेशानियां विसंगतियां हैं, तभी तो वो बेचारे सड़कों पे उतर रहे हैं बार बार। तो ये कैसा रोजगार है भाई। तेजस्वी यादव जनविश्वास में निकले हैं, युवाओं का विश्वास ले रहे हैं कि फिर अगर हम सत्ता आएंगे तो फिर रोजगार देंगे। वही तो बात है, ऐसा रोजगार वो नहीं दे तो बेहतर है। रोजगार नहीं दे मैंने इस तरीके का रोजगार दे के मजाक करना तो नहीं करें। मजाक कर रहे हैं आप, शिक्षक क्यों सड़कों पे उतर रहे हैं? दो महीने से ज्वाइनिंग है, उससे पहले वो एसटीईटी क्वालिफाइड थे, नियोजित शिक्षक थे, तो उन्हें नियोजन मिला नहीं, फिर हंगामा हुआ, तो उसके लिए बीपीएससी से परीक्षा हुआ, और आज भी कई शिक्षक छोड़ रहे हैं। और डोमिसाइल नीति 60,000 तो अदर राज्यों के थे, अन्य राज्यों के 60,000 लोगों को रोजगार है, तो ऐसा रोजगार क्यों भाई? बिहार में बेरोजगार है। युवा चाह रहा है कि तेजस्वी फिर से आए, फिर से रोजगार दे। मैं युवा नहीं हूँ क्या? हम क्या युवा नहीं हैं? हम चिराग पासवान जी को मान सकते हैं, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक संघर्ष किया है और सत्ता के लोभी भी नहीं है। तो दूसरी बात है कि बिहार में रोजगार और काफ़ी योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार की जो आई हैं, उस विषय में क्यों मौन है? आप अडानी अडानी को कहते हैं, यहाँ बिजली अडानी को क्यों दे रखा था? अडानी को यहाँ रोजगार के लिए क्यों बुलाया? तो मतलब भाजपा के साथ अडानी चोर हैं और कांग्रेस और राजद के साथ आ जाते हैं तो अडानी शरीफ हो जाते हैं क्या? तो तेजस्वी पहले ये तो बताया कि वो आखिर क्या जनता को बड़गला क्यों रहे हैं? स्ट्रेट बोले, अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अरे जनता आ रही है 3 तारीख के गांधी मैदान, पूरा गांधी मैदान भर जाएगा। अरे वो खाता खोल लेंगे ना ये लोकसभा चुनाव में, तो मान लेंगे कि भाई जनता का उन पर विश्वास है। खाता की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल, 4,000 सीट पर कह रहे हैं महागठबंधन जीतेगी। वो तो कहने की क्या बात है, 40 सीट वो एक सीट ही जीत ले, किशनगंज जीत ले, जहाँ 70% मुसलमान है, जिनके भरोसे वो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं और किसी को पत्रकार को जबरदस्ती NSA लगवाते हैं, यही उनकी उपलब्धि है मेरे नज़र में। पत्रकार के ऊपर NSA मनीष कश्यप के पास नहीं लगा था क्या? और अभी सर कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, तो इससे ये होता है ना भाई, और खुद वो कितने मुकदमे में फंसे हुए हैं। माफ़ी क्यों मांगी? जब आपने गुजरातियों को चोर बोला तो आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। अभी तो खुद ही अपने में कन्फ्यूज हैं कि वो क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। किसी को गलत बताते हैं फिर उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं। केजरीवाल उनको चोर कहते हैं, और उनकी इतनी अच्छी थी कि मंच पे बैठा के नीतीश कुमार जी बोले कि जंगल राज था तो उस पे वो मौन थे, यानी उनके लिए सत्ता प्राथमिकता है, स्वाभिमान नहीं। चलिए, उनके लिए सत्ता प्राथमिकता है, स्वाभिमान नहीं, ये पटना की जनता है। लगातार तेजस्वी यादव पर अपनी बातों को जो है वो रख रहे हैं, उनको जो है अनुकंपा के आधार पर उनको 17 महीने जो है राज करने के लिए मिल गया था। नीतीश कुमार NDA से उस तरफ चले गए थे, अब ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, एक भी सीट नहीं जीतने वाले हैं वो। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सर स्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।